फ्रेंड्स, मैं गोविंद, मैं ज्योति। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिराज गोविंद ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने हम फिर से आ गए हैं अपना नया ब्लॉग लेके, जो कि आज स्पेशल होने वाला है। आज बनाने वाली है ज्योति, क्या बनाने वाली है? मछली। आज बनाएगी मछली, और जिसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो आज अभी कुछ देर बाद आप लोगों को दिखाएंगे हम इसके मछली बनाने का रेसिपी। और ये हमारा बेटू क्या कर रहा है? हाथ निकालो बेटा, हाथ निकालो मुंह से, मुंह में हाथ नहीं लगाते बेटा। आई हाय देखो, कर हाय दो, हाय करो, हाय करो करो, सुमन। हाय करो, हाय हो, हाय करो बेटा। मुंह में हाथ नहीं लगाते बेटा, गंदी आदत, गंदी आदत। ये देखिए, हमारा बेटू एक गंदा आदत पकड़ लिया है। इसका उंगली हमेशा मुंह में रह रहा है। लाख मना करने के बाद भी ये नहीं मान रही है। चलिए हम लोग चलते हैं किचन में अपना मछली मछली धोने। तब तक परी को देखिए, परी कैसे खेल रही है। तो चलिए दोस्तों, ज्योति जा रही है मछली धोने, धो लेती है तो फिर दिखाते हैं ये क्या करेगी। और तब तक हम और बेटू क्या करेंगे? खेलेंगे मस्ती मस्ती, ओए मस्ती मस्ती। हाँ, अब बेटा का घोड़ा कहाँ गया? घोड़ा कहाँ गया बेटा? घोड़ा कहाँ गया? कहाँ? दिखाओ दिखाओ। वो घोड़ा है, अपने पापा को घोड़ा बना के खेलती है, तो वही दिखा रही है आप लोगों से कि ये देख घोड़ा, यानी कि मैं घोड़ा हूँ और ये है सवारी। ए दे घोड़ा। चलिए दोस्तों, ज्योति मछली धो चुकी है, और चलिए ले चलते हैं किचन में आप लोगों को, और दिखाते हैं धोने के बाद क्या कर रही है। चलो बेटा, आ जाओ गोदी पापा, किसी करो, किसी करो पापा को। अब उठाए ना। बेटा बेटा ने किसी दिया तो बेटा को गोद में ले लिए। चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ज्योति क्या कर रही है। हम लोग पहुंच गए हैं धीरे 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 अपने किचन में। ये यहाँ पे ज्योति मछली धोने के बाद उसको हल्दी और नमक में मैग्नेट कर ली है, और मिला यहाँ दिए अच्छा हैं मिला दी है, वही मिलाने को मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ पे निकाल लिया है इसने लहसुन और सरसों। अभी इसको इस सिलबट्टे पे रख के, ये देखिए हम लोग कितना छोटा सा है सिल्वर, 200 में खरीदवाए हैं, 200 का ना है। हाँ अभी ये सिलबट्टी पे रख के इन सब को पीसेगी। उसके बाद फिर आप लोग से दिखाएंगे इसमें क्या क्या और मिलाएंगे। अभी इसको दोस्तों, इसको पीसने के बाद इसमें क्या मिलाएगी ये आप लोगों से दिखाएंगे तब तक हम कढ़ाई भी रख दिए हैं, मछली भी अभी। धोएंगे अच्छा और मसाला भी पीस लेंगे। चलिए दोस्तों, दो दो काम एक साथ साथ हो रहा है। यहाँ कढ़ाई भी चढ़ गया है, यहाँ तेल डालेगी, गरम करेगी और मछली भी फ्राई कर लेगी, और इधर मसाला भी पीस लेगी, दोनों साथ साथ हो जाएगा। ये देखिए ज्योति क्या कर रही है। जैसे चक्की पीसिंग होता है, वैसे ज्योति मसाला पीसिंग 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 कर रही है। ज्योति यहाँ मसाला पीस रही है। क्या हो रहा है बेटा? मसाला पीसिंग 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 हो रहा है। तो चलिए हम पीस ले, उसके बाद फिर दिखाएंगे आप लोगों से। ज्योति का मसाला पीसिंग पीसिंग अब लगभग हो चुका है, और इधर मछली भी तलने के लिए डाल दी है। अब ये ढक्कन हटाएगी तो आप लोगों से दिखाएंगे कैसे तल रही है मछलियाँ और कैसे खाएंगे हम लोग। दोस्तों, मछली धुला हुआ रहता है, उसमें पानी रहता है, तेल में डालने के बाद छींटा मारता है, इसलिए ज्योति ढक्कन लगा दी है उस पर। अभी ढक्कन हटाने के बाद आप लोगों से दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ ज्योति अपना मछली तल रही है। आहा, देख के मुंह में पानी आ रहा है क्या बेटा? हम दोनों को ज्यादा मछली पसंद है दोस्तों, हम दोनों वो भी ये वाला जिसमें काटा ना रहे।
हम खा नहीं पाते हैं ज्यादा कांटा वाला। हम दोनों को ज़्यादा मछली पसंद है क्योंकि मछली खाने में मज़ा भी आता है और इसके इसके हाथ काम को बेहद मछली पसंद है। इसीलिए आप लोगों से इसका रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। जो भी मछली खाए हैं ना, सब कोई बोलता है गजब का मछली बना। इनके साहेब लोग भी पहले जहाँ काम करते थे वो लोग भी आके खा लिए हैं मछली। अपने कैंपस में एक बार अपने दोस्तों को ले जाके मछली टिफिन में करके ले जाके खिलाए थे तो उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि एक बार बोले कि भाई एक बार घर पे बनवाओ और हम लोगों को बुलाओ। तो दोस्तों घर पे बुला के फिर उन लोगों को मछली खिलाए हम लोग। तो इसके हाथ का जो भी मछली खाता है बहुत तारीफ करता है। रोटी भी, रोटी को भी सब कोई बोलता है। चलिए दोस्तों यहाँ मछली ताल के निकाल रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी मछली तल रहा है, मछली तल लेगी जो थी तो उसके बाद आगे का रेसिपी आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मछली तल लेने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों मछली तला गया, अब ज्योति इसको बनाएगी। इसमें जा रहा है मसाला डालने। अब ज्योति मसाला बना रही है पहले। तो ये क्या है ज्योति? सरसों और क्या बोलते हैं लहसुन, दोनों पीस दिए हैं। ये सरसों लहसुन का पीस पेस्ट है और इसमें क्या डाल रही है? हल्दी है ना, एक चम्मच। अब इसमें एक चम्मच हल्दी डाला और उसके बाद ये क्या है? काली मिर्च। ये काली मिर्च पाउडर है। ये कितना डाल रही है? मतलब आधा चम्मच। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर हो गया और इधर तेल भी गर्म हो रहा है। अब ये क्या है? मिर्चा। अच्छा ये लाल मिर्च पाउडर है। ये कितना डाल रही है? पूरा एक चम्मच। ये वाला चम्मच जो सेलेक्स में नहीं रहता है उसे हम रखते हैं। हम लोगों के पास दोस्तों बड़ा वाला चम्मच है, ये हॉर्लिक्स का। तो इस चम्मच से एक चम्मच डाला इसने लाल मिर्च पाउडर और ये क्या धनिया है। हाँ। अब डाल रही है धनिया, ये भी पूरा एक चम्मच। नहीं, चम्मच से थोड़ा कम। एक चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया। और वो क्या है? अच्छा धनिया ही है। अभी जीरा है। अच्छा अभी इसका हम एक चम्मच डाल देंगे। एक चम्मच जीरा डाला इसने और ये क्या है? पापड़। कौन मसाला है? मीट मसाला है ना जो नारियल लेते हैं। हाँ मीट मसाला, ये एवरेस्ट का मीट मसाला है। हम लोग मछली में इसको भी ऐड करते हैं। इसे एक चम्मच, ये भी एक चम्मच डाला इसने। बस हो गया। मसाले में डाले हैं लहसुन है, सरसों है, जीरा, मिर्च, धनिया, मिर्चा और मीट मसाला। चलिए दोस्तों ज्योति का मसाला कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करेगी इन मसालों के साथ। अब इसमें हम डालेंगे मेथी। अच्छा इसमें डाल लीजिए मेथी। गरम तेल में डालोगी ना? हाँ। चलिए गरम तेल में इसने डाला मेथी और ये देखिए मेथी कैसे पटपटा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही है, पानी डाल के मिक्स कर रही है। अच्छे से मिला रही है उसको अपने हाथों से, चम्मच की सहायता ली है और ये गया मसाला तेल में। ओहो गैस को कम किया और गया मसाले में। चलिए दोस्तों मछली बनना तैयार हो गया है और हम लोगों के बाप बेटी के पेट में चूहे कूद रहे हैं मछली खाने के लिए। कॉर्नफ्लेक्स
मछली नहीं है। कौन काटा क्या? देख धुआं धुआं। अब इसमें डाल रही है नमक जो जिस स्वाद अनुसार है। ये नमक डाल चुका दोस्तों, हमारा किचन धुआं धुआं हो गया है। अब इसमें डाल रही है टमाटर। देखिए टमाटर कट चुका है, अब इसको भी डाल रही है। इसमें डाल देंगे दो टमाटर को काट के डाल दी मसाले में। कितना अच्छा भी दिख रहा है मसाला। ये देखिए ज्योति का मसाला, आहा देखने में भी काफी अच्छा दिख रहा है। चलिए भून जाए, उसके बाद हम दिखाएंगे। अब इसमें लगा दी ढक्कन। चलिए दोस्तों, उसको कितने देर तक के लिए छोड़ोगे दोस्त? अब दो चार मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देगी, फिर दो चार मिनट बाद दिखाते हैं क्या होता है। तो अभी दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं मसाला को ढके हुए। अब ये चलाएगी मसाला को। ये देखिए हाँ कितना प्यारा कलर आ गया दोस्तों, देख के खाते खा मन कर रहा है अभी निकाल के खाना शुरू कर दे। ये देखिए अब ये ज्योति मसाला को भूज रही है। और कितना समय लगेगा ज्योति? अभी 5 मिनट और। अभी दोस्तों मसाले को 5 मिनट और भूनना पड़ेगा। तो ज़्यादा मसाला है ना, थोड़ा रहता तो कम दे। हम लोग तो और खा लिए मछली तल के। अभी इतना बचा हुआ है दोस्तों, इसमें हम लोगों का 2 टाइम हो जाएगा। अभी दोपहर में खा लेंगे और फिर रात में। इसीलिए ग्रेवी हम लोग ज़्यादा बना रहे हैं, मसाला ज़्यादा डाली है ज्योति, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी रहेगा तो रात में भी हम लोग खा लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोगों का मसाला भुना रहा है और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में तो देखिए कैसे बनता है ज्योति के हाथ का फिश कड़ी। और खाना होगा तो आ जाइएगा। और ज्योति आप लोगों को बुला रही है खाने पे, तो आप लोग अभी तो ऐसे ही खा लीजिए, अभी तो बना नहीं है, बन जाएगा तो वैसे ही देख के खा लीजिएगा। तो दोस्तों ज्योति मसाला भून चुकी है और इसका कलर भी आ गया है। अब इसमें ऐड कर रही है धनिया पत्ता। अब इसमें डालेगी धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता डालने से नहीं डालते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हाँ थोड़ा हम भूल देते हैं डालते जी। हाँ इसको क्या करेगी कि इसमें डाल के और कुछ देर तक भूज देगी, बोलती है कि इससे ज़्यादा टेस्ट आता है। ऊपर से डाल इसको ऊपर से डालने में अच्छा नहीं लगता है धनिया पत्ता। चलिए ये गया धनिया पत्ता। अब फिर कितना देर भूजोगी ज्योति? 2 मिनट? नहीं 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। हाँ अभी 1 मिनट से कम ही। ऐसे क्या होता है ना, धनिया पूरा पक जाता है अच्छा से, स्वाद भी आ जाता है ऊपर से। तब मेरा मसाला पूरा भुना गया है, देखिए हम इसमें डालेंगे पानी। अब दोस्तों आप लोगों को जितना पानी रखना हो उतना इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा बस अब इसको हम उबालेंगे पानी को पहले जी। अच्छे से जब उबलने लगेगा तब इसमें मछली डालेंगे। तो दोस्तों पानी अपने खाने अनुसार पानी रख चुकी है, डाल चुकी है मसाले में।
ग्रेवी तैयार हो गया है। अब इसको धीमा आँच रहेगा, तेज रहेगा? जो धीमा आँच रहेगा कि तेज रहेगा? रहेगा पानी। देखिए आज तेज है, अब इसको उबलने के लिए छोड़ देगी ज्योति। ये जब उबलने लगेगा तब मछली डालेगी। क्या दोस्तों, ग्रेवी उबलने लगा है, अब इसमें ज्योति डाल रही है मछली। चलिए, ग्रेवी में हम लोगों का मछली डल चुका है। अब क्या करेंगे ज्योति? अब थोड़ा और इसको क्या करेंगे, खौलाएंगे मतलब पका देंगे पानी में डाल के। हाँ अच्छा, ताकि मैंने मछली में पूरा ग्रेवी घुस जाए का? और मछली का जो पीस है वो और टेस्टी हो जाए का? आप ढक्कन तो नहीं लगाएंगे इसमें? लगा भी देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का मछली लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों ये देखिए, मछली बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ चावल हम लोग निकाल लिए हैं, और अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। तो हमारा खाना रेडी हो चुका है दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और फिर आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हमारा खाना हो चुका है, और ये देखिए परी बेटिया का पहनी है, बोलिए कि नया कपड़ा है। नया कपड़ा लग रहा है इसको। ये देखिए का जोकड़ बनी हुई है। हंसना होता है तो ऐसा ही हंसती है। बेटा हाँ जी कितने का है? पांच रुपया का है इसका। ऑनलाइन मंगाई है फ्लिपकार्ट से। आप लोग मत मंगाइएगा ऐसे। तो चलिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और आज का रेसिपी भी बताइएगा, और आज के रेसिपी के बारे में भी बताइएगा कि कैसा लगा ज्योति का रेसिपी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, तब के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।